हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन पर। और आज लेकर क्या है लेक्चर नंबर टू, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर टू। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर एक है ना, ध्यान समझना पहले छोटा सा चीज, कि सेंटर ऑफ मास हमने निकाला कैसे थे ना। तो एक अगर कोई डिस्क्रीट मास सिस्टम अगर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है, डिस्क्रीट मास सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है। अगर हमारे पास बिखरा हुआ पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है ना, सपोज कर लेते हैं पार्टिकल यहाँ है, अगर ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये M3 मास है, और तीनों के ही पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है ना, तीनों के ये रहे अपने पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ये हो गया अपना R2 वेक्टर, और ये हो गया R3 वेक्टर। पूरे अच्छे समझना ताकि पूरा कंटिन्यूअस मास सिस्टम समझ में आए, ठीक है। तो अगर हम बोले कि सबसे पहला चीज यहां पर सिखाए थे कि मास मोमेंट निकालने के लिए, तो मास मोमेंट इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। ये क्या होता है, M into R वेक्टर, बस, ठीक है। अगर हम यहां पर दूसरा चीज बोले थे कि नेट मोमेंट ऑफ मास बताओ इसका सिस्टम का, नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है इसलिए उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे, तो वो क्या देगा, M1 R1 वेक्टर प्लस में M2 R2 वेक्टर, और ऐसे करके बहुत सारे अगर पार्टिकल है तो हम कहेंगे MN RN वेक्टर, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आया था। अब हमने यहां पर से एक बात इंट्रोड्यूस करा था कि अगर हम ऐसा करें, इन सारे ही मास को एक जगह पे कहीं पर रख दे ना, यहां पर रख दिए इन सारे मास को जोड़ करके, ये हो गया टोटल मास, यहां पर हमने रख दिया टोटल मास, और टोटल मास का हमने अब पोजीशन वेक्टर कहा ओरिजिन से, इसका ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया RCM। ये बस ऐसे नोटेशन दिए है, बाद में समझाएंगे, ये सेंटर ऑफ मास भी है लेकिन बाद में, ठीक है। अगर हम ऐसा कहेंगे इसका मोमेंट ऑफ मास टोटल मास से क्या हो जाएगा, अगला क्या है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास क्या हो जाएगा, है ना, तो एम टोटल जो भी मास है वहां पर रखा हुआ इंटू RCM। ये तीन बात एकदम अच्छे समझ में आया। अगर हम ये सब कह दें ऐसा, है ना, अब हम यहां से एक वर्ड यूज करना चाहते हैं, उसका नाम है ऐसे, इफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल, इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन RCM इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान समझो, क्या हम लिखे हैं इसको अच्छे समझो। अगर मोमेंट ऑफ मास टोटल मास का जो है ये वाला, यानी कि R सेंटर ऑफ मास इंटू M टोटल, अगर ऐसा हो जाए इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यही है क्या, ये जो ऊपर लिखे थे M1 R1 वेक्टर प्लस में M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट MN RN वेक्टर, देन R सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस में M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट MN RN बाई M1 प्लस में M2, ये जो M टोटल है तो वो M1 प्लस M2 M3 है ना, प्लस में MN हो जाएगा ना, ऐसे करके, यानी कि जो ये जो है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये था एकदम डिस्क्रीट मास सिस्टम का, हमने सेंटर ऑफ मास से हमने पिछले क्लास में पूरा डिटेल में स्टडी करा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के बाद कंटिन्यूअस बॉडी, ये मान लो कि बहुत अजीब सा कंटिन्यूअस बॉडी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम एक काम करते हैं इस चीज के लिए फिर से उसी तरह जैसे पहले क्या था, हमने छोटे छोटे पार्टिकल, हमें नहीं पता पूरे बॉडी का नहीं पता, हमने क्या करा छोटा छोटा पार्टिकल तोड़ा, ठीक है, इसको हमने कह दिया डीएम, ये था ना डीएम क्या है हमारा, पहले यहां से डीएम क्या है, पहले तो छोटा सा लिख देते यहां पर डीएम क्या है, डिफरेंशियल मास,
डिफरेंशियल मास ऑफ होल बॉडी, है ना, होल बॉडी, या फिर इसी कहते बहुत छोटा सा मास, है ना, ये क्या है, बहुत छोटा सा मास, समझ में आ रहा बात, बहुत छोटा सा मास, मास में बहुत छोटा छोटा सा मास है ना, और इसका इस रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन, हम यहीं से काउंट करना चाहते हैं सब चीज, यानी कि सेंटर मास भी यहीं से निकालना चाहते हैं और मास मोमेंट भी यहीं से निकालना चाहते हैं, रेफरेंस लाइन हो गया, इससे इसका कुछ तो डिस्टेंस होगा, है ना, इसको हम कह देते हैं आर वेक्टर, ठीक है, तो इसका मास मोमेंट क्या होगा, तो आर इंटू डीएम क्या हो जाएगा, ये हो गया ना मास मोमेंट, मास मास मोमेंट, सॉरी बात समझ में आ रही ना, तो मास मोमेंट ऑफ डीएम, डीएम का मास मोमेंट हो गया, ये सिर्फ इसका, अगर हम ऐसे सोचे कि ये सिर्फ एक डीएम का निकला, अगर हम यहां पर भी एक पार्टिकल तोड़ लिए होते, है ना, ऐसे करके डीएम, इसका भी तो एक आर होता, यहां पर भी एक आर होता, हाँ हर आर अलग अलग है, ये बात तुम लोग को दिमाग में अब आ जाना चाहिए कि ये आर और ये आर सेम नहीं है, ये आर वैरी कर रहा है लोकेशन ऑफ मास के हिसाब से, है ना, यहां पर के मास को हम बोल रहे हैं ना डीएम, तो इसका डिस्टेंस हो गया यहां से तक आर, इसका आर अलग, इसका आर अलग, जैसे यहाँ पीछे था ना, इसका आर वन, इसका आर टू, इसका आर थ्री, ये तो सॉरी आर थ्री था, ठीक है, तो अगर हम यहां पर उसी तरह से बात करें कि डीएम, इस डीएम का आर, ये डिस्टेंस, ये आर सब का अलग है, लोग प्लस सिंबल यूज करें, लेकिन आर वेरिएबल है, इसे समझना है, और मास भी यहां पर हो सकता है कुछ ज्यादा काट लिए, यहां पर कम काट लिए, तो एम भी हमारा वेरिएबल, लेकिन है बहुत छोटा, तो अगर हम पूछे इसका टोटल मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ मास क्या होने वाला है, यहां पर से अगर हम पूछे टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ होल कंटिन्यूअस बॉडी, है ना, होल कंटिन्यूअस बॉडी क्या होने वाला है, तो सर आर डीएम एक एक का है, दूसरे का भी आर डीएम है, तीसरे का भी आर डीएम है, बहुत छोटे पार्टिकल का सम है, तो इंटीग्रेशन ही तो कहते हैं इसको, हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, बात समझ में आया, छोटे छोटे जैसे यहां पर भी था ना एम वन आर वन, वो तो बहुत बिखरे हुए थे, इसको आराम से जोड़ सकते थे, यहां पर नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ गया, बात समझ में आया, इसलिए हमने इंटीग्रेट करा, अगर हम यहां से पूछेंगे टोटल मास कितना है बॉडी का, बॉडी का टोटल मास क्या है, तो हम कह देंगे डीएम को ही जोड़ लीजिए सर, बहुत सारा डीएम है, तो इंटीग्रेट कर लीजिए ऐसे करके, और अगर हम कह दें कि ऐसा ये यहां पर हमने वही टोटल मास रख दिया, यहां पर रख दिया टोटल मास, है ना, जिसको कि हम कह देंगे इंटीग्रल ऑफ डीएम, और इसका भी इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस है आर सी एम, यानी कि इस पूरे ही बॉडी को ऐसे करके एक जगह पर कहीं यहां पर रख दिए, है ना, ये समझ रहे हो, तो यहां पर रख दिए, ये हम बाहर दिखाए हैं ताकि तुमको समझ में आए, बस ये है यहां पर, है ना, या कहीं है हमको क्या पता, ठीक है, ये आर सी एम डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये क्या है बताओ, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम, ठीक है, तो अगर हम कह दें कि आर सी एम इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएम उस पूरे ही बॉडी का टोटल मास का मोमेंट है, है ना, तो टोटल सॉरी टोटल मोमेंट है ना ऑफ ऐसे टोटल नहीं मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल बॉडी है ना टोटल मास ऐसे कर देते हैं मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास है ना मोमेंट ऑफ मास ऑफ टोटल मास क्या होने वाला है तो क्या हो जाएगा आर सी एम इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एम है ना जाएगा समझ बात को और अगर हम ये कह दें कि इफ आर सी एम इंटीग्रल ऑफ डी एम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर डी एम ये बात समझ में आए कहां से आई बात पीछे से ही है ना कि अगर पूरा ही मास का जो मोमेंट है और वो इंडिविजुअल मास के मोमेंट के सम के इक्वल होता है तो आर सी एम हमारा सेंटर ऑफ मास है यहां से आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा तब आर सी एम क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर डी एम बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम समझ में आया कोई सवाल बैठा देवा फॉर्मूला कैसे डिराइव कर लिए आसानी समझ में आया ऐसे ही कहानी था अगर हम ये बोल दें हमको पता है लेट कर लेते हैं यहां से कि r सेंटर ऑफ मास जो वेक्टर है जैसे कि हमने पीछे करा था x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास z सेंटर ऑफ मास तो r सेंटर ऑफ मास के भी तीन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं x c m i कैप है ना y c m j कैप और z c m k कैप कह सकते हैं तो देन अगर हम निकालना चाहते हैं x c m क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x डी एम बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम y सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे इंटीग्रल ऑफ y डीएम बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम
और जेड सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा तो इंटीग्रल ऑफ जेड डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो भी फॉर्मूले हैं सबको पता है, निकालें कैसे? तो दो चीज देखो साहब, हमको डीएम चाहिए और एक एक्स चाहिए। अगर हमको एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, डीएम चाहिए वाई चाहिए, यानी कि जो डीएम निकालेंगे या डीएम काटेंगे उसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट, उसका हमको वाई कोऑर्डिनेट, उसी का हमको जेड कोऑर्डिनेट दे दो, तो हम उसका एक्स वाई जेड सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और डीएम का इंटीग्रेशन वो कर दो। बात समझ में आया? यानी हमको दो एक्सप्रेशन चाहिए, एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए, एक जेड चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड चाहिए, और दूसरा डीएम चाहिए। बात समझ में आया? बस इतना ही कहानी था और कुछ नहीं है ना। तो जैसे एक सवाल है यहीं पर, पहले तो यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास सबको पता है ना, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। चलो ये प्रूफ करते हैं ना, क्लियर है बात? जैसे ये हमने एक रॉड ले लिया है ना, ये रेफरेंस लाइन ले लिए और इसका पूरा ही लेंथ एल है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या सीखे थे पीछे, डिस्क्रीट मास सिस्टम को कैसे करेंगे, तो पूरा एक फ्रेश करते हैं काम, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि पीछे फॉर्मूला सीधा चिपका देंगे, नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं आराम से, जो बेसिक बेसिक चीज पढ़ा है हमने, हम क्या करें, किसी भी एक्स जगह पे जाते हैं, छोटा सा वजन काट लेते हैं ऐसे करके। दिखा, ये हमने डीएम काट लिया, ठीक है, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है। अच्छा बताओ, ये पूरा जो मास फैला हुआ है उसके पूरे लेंथ में ना फैला हुआ है, ये बात दिमाग में बैठना चाहिए कि पहले ये ऑब्जर्व करो कि मास कहाँ है, लेंथ में है कि एरिया में है कि वॉल्यूम में है। तीन बात बैठा दिमाग में, मास कहाँ है, लेंथ में है कि एरिया में है कि वॉल्यूम में है। यहां पर लेंथ में मास होगा तो हम यहां पर लिख देंगे कि मास कहां है। पहले बात तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, इसके पूरे ही लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम यहां से निकाल लें कि अगर मतलब डीएम काटेंगे तो इसके भी कुछ लेंथ आ जाएंगे, उस लेंथ को हमने कर दिया डीएक्स। बात समझ में आया? ये डीएक्स हो गया। अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो हम क्या देंगे, एक्स डीएम, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन से डीएम का डिस्टेंस तो एक्स है, तो एक्स इंटू डीएम हो जाएगा इसका, और हमको चाहिए दूसरा डीएम। अब ये डीएम कैसे निकालें, यानी कि इतना छोटा सा मास कैसे निकालें। हमको ये बात पता है कि पूरे एल लेंथ का वजन एम है, इस पूरे लेंथ का वजन एम है, तो हम कह देंगे डीएक्स लेंथ का वजन कितना है यूनिटरी मेथड से, है ना। तो क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि लेंथ, सॉरी, एल लेंथ ऑफ रॉड हैविंग मास इक्वल टू एम, है ना, देन डीएक्स लेंथ ऑफ रॉड हैविंग व्हाट, एम डी एक्स बाय एल। क्या यही हमारा डीएम है, क्या इसी का ना डीएम है, एम डी एक्स बाय एल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक? ये डीएम आ गया और हमको चाहिए अब कहानी खत्म। तो क्या निकालेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, हमने एक्स डीएम करना है एक तो, बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम करना है, क्योंकि एक्स नहीं होना है सेंटर ऑफ मास। तो समझ में आ गया बात, एक्स तो एक्स ही, डीएम की जगह पे ये पुट कर लो, यहां से एम डी एक्स बाई एल, और डीएम को जोड़ो सर पूरा मास एम ही तो होगा और कुछ नहीं होने वाला है ना, तो एम से एम तो कट। अच्छा सॉरी सॉरी, तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। यहां तक कोई सवाल किसी को नहीं है? अगर थोड़ा सॉल्व करा जाए तो एम बाई एल तो बाहर आ गया, और नीचे में भी एम है, अंदर में क्या बचा, एक्स डी एक्स। अब यहां तक तो अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छे एम से एम भी काटते हैं, अच्छा ही लग रहा है देखने में, हमें लिमिट नहीं पता है। तो चलो एक काम करते, लिमिट समझते हैं कैसे कैसे लगाएंगे। तो अगर हम पहला बात, अगर यहां से डिस्क्रीट मास को काटना स्टार्ट करें ऐसे करके, तो पहला मास ये वाला काटेंगे, दूसरा मास ऐसे काटेंगे, है ना, तीसरा मास हमने ऐसे काटा, चौथा ऐसे काटा, समझ रहे बात को, ऐसे करके हमने बहुत सारा मास काटा और काटते काटते एंड में पहुंचे, समझ में आया। तो पहले वाले के लिए क्या लिखोगे, एक्स जीरो जीरो डीएम, दूसरे के लिए थोड़ा सा एक्स इंटू डीएम, चौथे के लिए थोड़ा और एक्स डीएम, एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के एल तक बाहरी करेगा, क्या यहां तक पहुंचेगा ना, एल डीएम, इसके लिए क्या लिखोगे, एल डीएम, जो कि इसका लेंथ तो एल हो जाएगा ना, यानी कि एक्स जो वैरी कर रहा है वो हमारा जीरो से लेकर के एल तक वैरी कर रहा है। लिमिट समझ में आया कैसे कैसे करे, तो वहां से जीरो से लेकर के एल तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से दिख रहा है हमको वन बाय एल तो बाहर आ गया, और यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का स्क्वायर बाय टू आ जाएगा जीरो से लेकर के एल तक, यहां से हो गया वन बाय एल, एल का स्क्वायर बाय टू, सॉल्व करने से हमको मिल गया एल बाय टू आंसर। अच्छा ये हमको पता तो था, रॉड का सेंटर ऑफ मास बाय टू पर होता है। मजे आए नहीं आया, पीछे करो और फिर से समझो, नहीं तो आगे देखो मेरे साथ, ठीक है। अगले सिचुएशन में देखते हैं, फिर से सेम तरह का ही चीज है, बट इसमें रॉड
यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब समझ रहे हो बात। एक्स का वैल्यूज देखो, एक्स लैम्डा देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा लीनियर मास डेंसिटी हमने पढ़ चुका है ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या था, लैम्डा क्या था, डी एल बाई डी एक्स है ना था, लैम्डा सॉरी डी एम बाई डी एक्स है ना था। तो यहां से अगर हम डीएम निकालना चाहें तो लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, बात समझ गए। तो डीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा तो दिख रहा है हमको, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा डीएम, ठीक है। तो डीएम तो आ ही गया, एक्स एक्स ही है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। तो सोचो यहां पर ध्यान से कि अगर हम इस जगह पर एक्स का वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो यहां वजन कितना होगा, लैम्डा कितना है, लैम्डा इज द मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, छोटे छोटे लेंथ में जो मास है वो सिर्फ ए है। और जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक्स में, ये लेंथ एज्यूम कर लेते हैं एल है, दिया हुआ तो है, ठीक है एम एल है, यहां पर जो वजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए प्लस बी एल, यहां पर सिर्फ ए है, यहां पर ए प्लस बी एल, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, बात समझ में आती है। यानी कि रॉड का जो इस बार सेंटर ऑफ मास होगा बीच में नहीं होकर के ज्यादा की तरफ शिफ्टेड होगा, थोड़ा उधर की तरफ, समझ गए बात को, इतना समझ में आ रहा। तो वैसे ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा, किसी भी एक्स जगह पर जाएंगे उसी तरह से डीएम काटेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहां से डीएम काटा, इसका विड्थ डीएक्स लिखा, सारा रोना धोना वही है पीछे वाला जो करे थे, और वैसे ही निकाल देंगे हम एक्स सेंटर ऑफ मास। क्या है एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। यहां पर इंटीग्रल ऑफ डीएम एम नहीं है, ये याद रखना, इंटीग्रल ऑफ डीएम एम नहीं है, वो इंटीग्रल डीएम यहां से निकलेगा, ठीक है। तो एक्स के जगह पे एक्स रहने देते हैं और डीएम के जगह पे क्या लिख देंगे, ए प्लस में बी एक्स इंटू डी एक्स बाय इंटीग्रल ऑफ ए प्लस में बी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने से जीरो से एल तक, लिमिट तो समझ में आ चुका है ना, जीरो से एल तक है, ये सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा एक्स सेंटर ऑफ मास है, बस खत्म हो गया मामला। तो सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स डी एक्स, यहां से देखो तो ए एक्स डी एक्स सॉल्व नहीं करें, मल्टीप्लाई करें इसे प्लस में, यहां पर देखो तो बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स दिख रहेगा, अब बाय अंदर में दिख रहा है ए प्लस में बी एक्स इंटू डी एक्स, जीरो से एल तक है ना। अगर हम यहां सॉल्व कर लें तो यहां दिख रहा है हमको ए एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस में बी एक्स का क्यू बाय थ्री है ना, जीरो से एल तक, और यहां हो गया ए एक्स प्लस में बी एक्स का स्क्वायर बाय टू जीरो से एल तक। अगर हम सॉल्व कर लें, एल पुट कर लेंगे तो यहां से ए एल स्क्वायर बाय टू प्लस में बी एल का क्यू बाय थ्री होल डिवाइड बाय ए एल प्लस में बी एल स्क्वायर बाय टू, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। बाकी तो सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आएगा थ्री ए, अच्छा एल का स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना, प्लस में टू बी एल बाय सिक्स, और यहां पर से एल स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, और होल डिवाइड बाय यहां पर भी दिख रहा है हमको टू ए प्लस में बी एल, और यहां से हमने एल निकाल लिया, एल से एल कट गया, अब बाय नीचे में टू, तो टू थ्री का सिक्स। सॉल्व करने से दिख रहा है हमको एल बाय थ्री, थ्री ए प्लस में टू बी एल बाय टू ए प्लस में बी एल, ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर। दैट्स इट, समझ में आया, नहीं समझ में आया आगे बढ़ते हैं, मतलब पीछे करके देख लो, आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन। अच्छा नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगले वैरायटी की तरफ है ना, तो वैरायटी कमी नहीं है हमें पता है। फिर से देखो लैम्डा डिपेंड कर गया एक्स पे, यानी कि इस बार एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मास डेंसिटी घट गया है। देखो एक्स के बढ़ने से वैल्यू बनने से घटते चल जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़, यानी कि उधर की तरफ हम इसके फेड दिखाएं, इधर की तरफ ज्यादा दिखाएं, तो यानी सेंटर मास सेंटर से थोड़ा इधर की तरफ शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। खैर हमको क्या लेना देना, हमें तो सीधा सीधी सॉल्व करने आ चुका है, जैसा भी सवाल दे दीजिए सर, सही बात है क्या, डीएम काटेंगे और डीएक्स काटेंगे और ये लेंथ एल है, बात एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएम बाय डीएक्स, तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा नॉट वन माइनस में एक्स बाय एल इंटू डीएक्स, ये हो गया डीएम। बाकी तो सॉल्यूशन करने आता है हमें, है ना। अगर हम पूछें कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, अच्छा एक्स ही क्यों निकाल रहे हो, वाई में तो मास फैला हुआ ही नहीं है, तो वाई में निकालने इसका फायदा है नहीं, ठीक है, और जेड में भी नहीं फैला हुआ, इसलिए ये बात समझ में आना चाहिए। एक्स डीएम है ना, फॉर्मूला लिख ले पहले, इंटीग्रल ऑफ डीएम, एक्स के जगह पे एक्स, डीएम के जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट वन माइनस में एक्स बाय एल इंटू डी एक्स बाय इंटीग्रल ऑफ
लेमडा नॉट वन माइनस में एक्स बाय एल इंटू डी एक्स, यहां तक ठीक है बात। और ये लिमिट तो हमें आ गया जीरो से एल तक लगाने के लिए, थोड़ा फिर सॉल्व कर लें। अच्छा लेमडा नॉट फिर से कॉमन आके तो कट जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो बाकी क्या हो जाएगा, हम सीधा सॉल्व करेंगे एक्स इंटू डी एक्स का, एक्स का स्क्वायर बाय टू, इतना फिल हो गया बात। यहां पर हो जाएगा एक्स का क्यू बाय थ्री एल, है ना, जीरो से लेकर के एल तक होल डिवाइड बाय, यहां पर भी सिर्फ वन दिख रहा है, यानी कि एक्स माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय टू एल, और जीरो से एल तक ही सॉल्व हो जाएगा। एल पुट कर लेंगे तो एल स्क्वायर बाय टू माइनस में एल का क्यू बाय थ्री एल होल डिवाइड बाय एल माइनस में एल का स्क्वायर बाय टू एल, समझ गए, पुट हो चुका है। अब बाकी तो यहाँ सॉल्व करने से हमको मिल रहा है थ्री माइनस में यहाँ एल एल स्क्वायर हो गया ना, थ्री माइनस में टू, यानी कि हो जाएगा एल स्क्वायर बाय सिक्स, और यहाँ पर हो गया एल बाय टू, यानी कि एल बाय थ्री होना भी था। देखो नजदीक एल बाय टू से थोड़ा नजदीक आ गया, बात समझ गए, कुछ है ही नहीं भारी क्या है। अब है सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, तो थोड़ा ध्यान समझना सेमी सर्कुलर रिंग की तरफ कैसे हम डील करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। यही है, इसका वजन m दिया हुआ है, इसका रेडियस r दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसका वजन जो है इसके पूरे लेंथ में फैला हुआ है, अभी भी हमको दिख रहा है इसके लेंथ में फैला हुआ पूरा वजन, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है बता दो, लेंथ कितना होता है इसका, लेंथ याद है टू पाई आर होता है, तो ये पाई आर हो जाएगा। हम कहते हैं कि पाई आर का ही वजन एम है, बात समझ गए, पाई आर का वजन एम है। तो हम क्या करते हैं, हमें डीएम काटना है, हमने इसलिए यहाँ पर सेंटर बना दिया, और ये देखो यहां से हमने थोड़ा सा सेक्शन काटा, ठीक है, ये वाला डीएम काट दिया, क्लियर है बात। ये हमने इसका लेंथ मान लेते डीएल है और इसका वजन है डीएम, और ये है रेडियस आर। हम एक और काम कर सकते हैं, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा एंगल नहीं है ना। डीएम जो हिस्सा है वो भी सेंटर पर कुछ तो एंगल बना रहा है ना, और क्योंकि यहाँ मास मेरा सेंट्रल से सेंटर से देखो ऐसे करके पूरा का पूरा फेरी फेरी में फैला हुआ है, इसलिए हम एंगल के हिसाब से यहाँ को ले कर रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं यार। ये मास हमारा ऐसे रेडियली फैला हुआ है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे रेडियली मतलब क्या बोल सकते इसको, पेरी फेरी में फैला हुआ है ना ऐसे, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या बदल रहा है यहाँ पर, तो एंगल बदल रहा होगा, एंगल पे बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें इतना ही कहानी था, इसमें आर है। अब हमको एक बात बताओ कि अगर ये डी थीटा लिख दिया तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, यहां से अगर हम पूछें कि डीएल का वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगा, ये डीएल का वैल्यू कितना हो गया आर डी थीटा, अभी बता दिए आगे से नहीं बताएंगे तो ध्यान समझ लेना, डीएल का वैल्यू आर डी थीटा होता है, कैसे निकाले समझ में आना चाहिए, एंगल का वैल्यू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, तो यहां से आर्क लेंथ इक्वल टू आर डी थीटा हो जाता है, ये हमें अब पता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, आजादी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको इसका, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इस डीएम का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ये लेंथ देखो, ये आर है क्या, यहां से तक आर कॉस थीटा हो जाएगा इधर क्या, और ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा, बात समझ में आया। अच्छी एक बात एक और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो सिर्फ, क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अबाउट होना चाहिए, एकदम वाई एक्सिस पर ही हो, एक्स में तो होगा भी नहीं ना, जहां पर सिमेट्रिकल होता है ये पढ़े हम लोग, सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट ही सेंटर ऑफ मास फैला होता है, तो इसलिए यहां पर ही होना है सेंटर ऑफ मास, इसलिए हम सिर्फ वाई के बारे में बात करेंगे। तो बता दो इस डीएम का वाई कितना है, तो वाई तो साफ दिख रहा है कि आर साइन थीटा इतना दिखा, ये हो गया वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा आर कॉस थीटा, ठीक है, एक्स आ गया वाई आ गया, हमें डीएम अभी तक नहीं मिला है। हम एक और काम कर सकते हैं, हम क्या बोलें कि सर पाई आर लेंथ हैविंग मास इक्वल टू एम, है ना, देन आर डी थीटा लेंथ हैविंग मास इक्वल टू कितना, समझ रहे हो तो पूरे के पूरे एम, ये जो वजन है एम पूरे इसमें ना फैला हुआ है, पूरे इसमें फैला हुआ है, तो हम कह देंगे पाई आर लेंथ का वजन एम है, तो आर डी थीटा लेंथ का कितना वजन,
यूनिटरी मेथड से लगा लेते हैं, तो एम आर डी थीटा बाय पाई आर, तो क्या हो जाएगा एम डी थीटा बाय पाई, हम इसी कर देंगे डीएम। क्लियर है? तो डीएम भी आ गया, वाई भी आ गया, एक्स निकालना है नहीं। तो अगर हम पूछें कि y सेंटर ऑफ मास कितना है, तो क्या कह दोगे सर, y dm by इंटीग्रल ऑफ dm। तो y कितना है हमारे पास, वो है r sin थीटा, r sin थीटा इंटू dm के जगह पे कितना लिख देंगे m d थीटा बाय पाई, dm के जगह पे m d थीटा बाय पाई। ध्यान से समझना एक एक चीज को, m d थीटा बाय पाई, ठीक है। अब y टोटल मास है dm, तो dm का टोटल मास तो m ही था, m से m कट गया, इसलिए हम निकाल ली r बाय पाई बाहर, अंदर में बच गया सिर्फ साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहां से लगेगा सोचो, पहला मास हम यहां से काटना स्टार्ट करें क्या, काटते 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 यहां तक पहुंच जाए, है ना, तो थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर 180 तक पहुंचेगा। थीटा कहां से तक वैरी करेगा, जीरो से लेकर के 180 डिग्री तक। इतना आप समझ में आ गया, तो जीरो से लेकर के पाई तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, आर बाय पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है क्या माइनस में, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है जीरो से करके पाई तक। तो सॉल्व अगर करेंगे तो आर बाय पाई आ रहा है, यहां से माइनस में कॉस पाई माइनस 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 में कॉस जीरो डिग्री, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया आर बाय पाई माइनस में कॉस पाई का वैल्यू याद है माइनस वन होता है, ये तो प्लस वन हो गया कॉस जीरो का वन, ओहो ये तो टू हो गया ना, तो टू आर बाय पाई। याद रखना है वाई सेंटर ऑफ मास जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से इधर की तरफ 2r by pi होता है। ये सब लिस्ट तुम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, याद रखना है ना, याद कर लो सीधा सीधी, है ना, किस तरह सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास 2r by pi होता है। मजा आ गया, अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, समझ आ गया ना सेमी सर्कुलर रिंग कैसे निकाले। तो हमने क्या करा, पूरा का पूरा वजन को हमने डीएम काटा, क्या वही सारा बना। आगे बढ़ते है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा इसमें भी क्या कहानी है। इसमें देखो ध्यान से क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल सेंटर ऑफ मास राइट सर्कुलर रिंग है ना, राइट सर्कुलर रिंग मतलब ये कुछ इस तरह का है, 90 डिग्री बना हुआ है पाई बाय टू। अच्छा इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये हमको पता है कि पाई आर का आधा होगा, ठीक है, ये हमको पता है। एक और काम करते हैं, ये देखो ये हमने थीटा ले लिया, ठीक है, और इसका एंगल हमें पता है कि ये डी थीटा है, याद है तो समझ में आ रहा है, और इसका लेंथ कितना है आर डी थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है बात, ये जो हमने छोटा सा सेक्शन काटा यहां पर, ठीक है, यहां तक गाना आ गया है हम लोग को गाने के लिए, और इसका वजन है डीएम। यहां लेमडा लिख दिया है, तो लेमडा का वैल्यू है कितना, देखो तो लेमडा नॉट कॉस थीटा है, जो कि हम कह देंगे डीएम बाय इसका लेंथ, यानी कि हम वो लेंथ कितना आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा है। तो डीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये डीएम आ गया। और हमें अगला चीज चाहिए वाई, क्या चाहिए वाई, तो वाई हमें पता है ना वैसे ही निकलेगा। समझ में आ गया पूरा कहानी कैसे काम करना है, तो ये लेंथ हो गया हमारा आर कॉस थीटा, और ये लेंथ हो गया हमारा आर साइन थीटा, यानी कि वाई जो है हमारा आर साइन थीटा हो गया। बाकी अब हमें सॉल्व करना आता है कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन फील करते हैं कि चीजों को कैसे हुआ है यहाँ पर। सोच के देखो थीटा का वैल्यू अगर जीरो डिग्री है, तो लेमडा नोड है, देखो लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा नोड है, कॉस जीरो वैल्यू मान हो जाता है, और जैसे 90 डिग्री है तो वहां पर लेमडा ही खत्म, यानी कि जैसे से मास ऐसे बढ़ रहा है ना इस पॉइंट से 90 डिग्री तक पहुंचेगा, तो वजन जो है जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस बार उस जगह पर नहीं होगा जहां पर हम लोग ऐसे जीरो निकाल रहे हैं, ये थोड़ा मास नीचे नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा। लिमिट हमें अच्छा इतना तो लिमिट दिख गया होगा अब तक कि जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक मामला जाएगा। ये तीनों समझ में आ गया, तो अब हम निकालते हैं इसका एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय रहो करो, और एक्स का वैल्यू भी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन इधर नहीं, हमको नहीं पता कहां है ना, तो सिमेट्रिकल है नहीं वाई में, कहीं ना कहीं बीच में होगा सेंटर ऑफ मास यहां पर, है ना, तो इसके एक्स और वाई दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आर कॉस थीटा, यानी दो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले निकालते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया एक्स डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और डीएम के जगह पे लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना, लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय होल, डीएम के जगह फिर से लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा,
अब बोलोगे सर पहले एम कर लिए थे डीएम का इंटीग्रेशन, अभी काहे नहीं किए, क्योंकि पिछली बार पूरा यूनिफॉर्म रिंग था, इस बार नॉन यूनिफॉर्म रिंग और उसका वजन भी नहीं पता हमें, तो हमको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। बात समझ में आया कि हम क्यों लिख रहे हैं, वैसे यहां पर क्यों लिखे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, समझते हो ना कि एक जैसा हर जगह, यहां पर देख लो एक जैसा नहीं है ना, इधर ज्यादा है उधर कम है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से इसको काट सकते हैं क्या, तो लेमडा नॉट आर तो कट गया, तो अंदर में जो बचा उसको थोड़ा ध्यान से लिख लिया जाए, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया देखो, तो आर तो बाहर आ जाएगा, अंदर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अंदर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, बस जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक, जीरो से पाई बाय टू तक। अब सवाल उठता है कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, है ना, तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये पता है ना हमें, तो ये हो गया कॉस टू थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया ना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, ये आ गया यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाए वन प्लस कॉस टू थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं क्या वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू। ठीक है, इसको यहाँ यूज कर लेना है, बस खत्म हो गया मामला। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करिए ले क्या यहीं पर वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना है हमको, ये तो यहाँ से वन बाय टू तो बाहर ही आ गया, अंदर में क्या बचा थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस में कॉस का हो जाता है साइन, साइन टू थीटा बाय टू, है ना, तो यही पुट कर लेते हैं, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या बचा आर और ये बाय टू, आर बाय टू बच गया, थीटा प्लस में साइन टू थीटा बाय टू जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक बाय होल, नीचे में भी आ गया हमारे पास कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाता है जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर बाय टू दिख रहा है यहां से, यहां पाई बाय टू पुट करा जाए प्लस में, यहां पर अगर पाई बाय टू पुट करोगे वन बाय टू रहने देते हैं, साइन हो जाएगा पाई टू टाइम्स ऑफ पाई बाय टू, ये पाई हो गया, फिर माइनस में जीरो पुट करेंगे तो इंटायर टर्म ही जीरो आ जाएगा, बाय होल साइन 90 डिग्री यानी साइन पाई बाय टू माइनस में साइन जीरो डिग्री, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये साइन 180 हो गया क्या, साइन 180 वैल्यू जीरो हो जाता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जीरो, याद होना चाहिए साइन 180 डिग्री जीरो, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन, ये सब हमें पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये तो जीरो हो गया और साइन 90 वैल्यू वन हो गया, तो बेसिकली देखो तो क्या हो गया सिर्फ पाई आर बाय फोर आई थिंक, सॉरी पाई आर बाय फोर, है ना, ये तो वन हो गया ना, एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया पाई आर बाय फोर, है ना, क्लियर यहां तक, तो छोटा सा कैलकुलेशन था, सॉल्व कर लेना इसको आगे, है ना। अभी हम बात करते हैं वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वाई क्या था आर साइन थीटा था ना, वाई डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम, तो वाई की जगह पे क्या लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू डीएम की जगह क्या था लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय इंटीग्रल ऑफ लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक, जीरो से 90 डिग्री तक, समझ में आया बात। अच्छा लेमडा नॉट आर तो कट ही जाएगा फिर से, लेमडा नॉट आर तो कट गया फिर से, तो जो बचा है उसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमको दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, एक काम करते हैं ऊपर नीचे टू बाय टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा काहे किए तो हमको पता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करना था यहाँ पर, तो बाकी देख लो क्या क्या दिख रहा है हमको, आर ऊपर में दिख रहा है, नीचे में यहाँ दिख रहा है टू, अंदर में दिख रहा है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और अभी नीचे वाले का इंटीग्रेशन भी कर लोगे ऐसे आ जाएगा, है ना, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, जीरो से 90 डिग्री तक, ये तो वन हो जाएगा क्या, साइन 90 का वैल्यू वन, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, है ना, तो ये वन हो गया, तो बेसिकली हम सीधा सीधी ऊपर में बात करते हैं आर बाय टू बाय वन यहाँ लिख लेते हैं, अंदर में बच गया देखो साइन टू थीटा, है ना, इंटू डी थीटा जीरो से लेकर के फाइव बाय टू तक, तो यहाँ से हो गया आर बाय टू साइन टू थीटा क्या हो जाएगा माइनस में कॉस टू थीटा बाय टू जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक। सॉल्व करा जाए तो यहाँ से हो गया आर बाय फोर बाहर आ गया माइनस में कॉस
पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा प्लस में कॉस जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया कॉस पाई का, ये वन हो जाएगा है ना, माइनस में वन यानी वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू, तो टू आर बाय फोर यानी कि आर बाय टू। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, देखो तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, उसके एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना थे आर पाई बाय फोर यानी कि पाई आर बाय फोर कॉमा आर बाय टू लोकेशन पर आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इस बार देखो ध्यान से, इस बार कह रहे कि सेंटर ऑफ मास निकालो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क का एट सेंटर जो भी है, ये एंगल वगैरह इसने देकर रखा है अल्फा है, ये एंगल देकर रखा है अल्फा, कह रहा हमें उसे कोई मतलब है नहीं, हम इस बार देखो एंगल कहाँ से चूज कर रहे हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे यहाँ से चूज कर रहे हैं, ठीक है थीटा, और ये हो गया डी थीटा। हम यहाँ से क्यों नहीं करें, पहला बार सोचो ये रेफरेंस नहीं बना सकते हम ऐसे करके ना, तो अच्छा है इधर ही से, क्या दिक्कत है, नया भी काम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्लास में हम ऐसे ही बताए थे इधर से लेते हुए, इस बार देखो हम ऐसे करके दिखा दिए, तुमको हर तरीके से सिखा दिए, अब अपना सॉल्व कर लेना, हर तरफ से आता है तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, मर्जी है तुम्हारा, तुम कैसे ले रहे हो, है ना, दिमाग चलाओगे सॉल्व होगा सब, है ना। तो ये लेंथ कितना है, आर कॉस थीटा है, और ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ चुका है हमारा बात, पूरा कहानी है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ कितना होगा, ये तो ये अगर रेडियस आर है तो ये आर अल्फा हो जाएगा लेंथ, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर के लेंथ बाय रेडियस, कितना है तो आर का लेंथ कितना है एल बाय आर, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा, है ना, ये लेंथ हो गया आर अल्फा, समझ गया बात को। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि सर आर अल्फा लेंथ हैविंग मास इक्वल टू एम, है ना, आर अल्फा ही लेंथ का वजन एम है, तो यहाँ से आर डी थीटा का वजन कितना हो जाएगा, ये साइन ने एरे सर लिख दिए हैं, है ना, बस खुश नहीं हो जाना कि सर ये बीच में क्या लिख दिया आप, तो आर डी थीटा लेंथ का वजन कितना हो जाएगा एम आर डी थीटा बाय आर अल्फा, आर से आर खत्म हो गया तो एम डी थीटा बाय अल्फा हो गया, ये हो गया हमारा डी एम, है ना, डी एम आ गया, वाई आ गया, इंटीग्रेट कर लेंगे वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई के अबाउट सिमेट्री है, इसमें हम वाई सेंटर ऑफ मास ही निकालेंगे, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम, तो वाई के जगह पे अब हाथ तेज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, समझ गए, डी एम का वैल्यू है एम डी थीटा बाय अल्फा बाय एम, एम से एम कट गया, ये हो गया आर बाय अल्फा, कॉस से क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। अब लिमिट, बात आ गया लिमिट पर, अब सोचो ध्यान से, एक एक करके ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पर काटे होंगे पहला वजन यहाँ पर, है ना, ये वाला हिस्सा काट दिए इसको, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर हम काट दिए तो इसका अल्फा जीरो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्फा नहीं दिख रहा, हम थीटा काटे यहाँ से, थीटा यहाँ से काटते हैं, थीटा जीरो, थीटा थोड़ा और, थीटा और ये एंगल कितना अल्फा बाय टू हो जाएगा, है ना, इतना साइन कटा तो बेसिकली कितना हो गया, जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक लिमिट लगाते हैं, सिर्फ इतना सा ही ऐड हुआ ना, इधर का छूट गया, एक काम कर दो से मल्टीप्लाई कर लेते, आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया, ऐसा करना है नहीं, या कर भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन हाँ हम नहीं समझ में आ रहा था, हम एक और काम कर सकते हैं, ये इधर था, है ना, इधर से भी अगर काटते तो जीरो से लेकर के माइनस में पाई अल्फा बाय टू तो जाता, तो बेसिकली पूरा मामला हो गया माइनस में अल्फा बाय टू से लेकर के प्लस में अल्फा बाय टू तक, है ना, इधर हो गया माइनस में अल्फा बाय टू और ये इधर हो गया प्लस में अल्फा बाय टू, क्योंकि हम काटे इधर से, बात समझ में आया, ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो वाई सेंटर ऑफ मास जो आया है वो हमारा कितना आया, आर बाय अल्फा साइन अल्फा बाय टू माइनस साइन माइनस में अल्फा बाय टू, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया आर बाय अल्फा और ये हो गया साइन अल्फा बाय टू और माइनस माइनस प्लस में साइन अल्फा बाय टू, याद है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री याद रख लो अब सीधे सीधे, है ना, तो टू आर बाय अल्फा साइन अल्फा बाय टू, ये हो जाएगा वाई सेंटर ऑफ मास। मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब इसी में कुछ छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं कि अगर हमको किसी ने कह दिया कि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री दे दिया है ना ऐसे करके, तो बता दो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है, ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया किसी ने,
तो बताओ इसका सेंट्रल मास y वाला कहाँ होगा, y सेंट्रल मास कहाँ होगा? तो सर 2r by अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, अल्फा पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, पाई बाय 2 होगा ना यहाँ पर, अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4r by अल्फा इंटू 1 बाय रूट 2, यहाँ से हो गया 2 रूट 2 r by अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं पाई, 2 रूट 2 सही लिखने के अल्फा, ठीक है इतना आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रुक जाना थोड़ा सा, एक चीज देखना थोड़ा सा कमाल का चीज सिखा रहे हैं तुम लोग को। अगर हम ये कह दें कि मेरे पास इस तरह का एक हिस्सा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है इक्वल वाला, कह दिया कि सर इसका सेंट्रल मास कहाँ है ना, अगर हम इसी को वाई कह दिए तो बेसिकली यहाँ से ना लेंथ निकला था, ये जो सवाल है बेसिकली यहाँ से लेंथ निकला है ना सेंटर ऑफ मास, इसका ये लेंथ 2√2 आर बाय पाए, है ना, ये लेंथ हो गया तुम्हारा 2√2 आर बाय पाए, के 45 डिग्री है, क्या इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ये हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास और इसका हो गया वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है तो बता दो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका कॉस 45 डिग्री है ना, यानी कि 2√2 आर बाय पाए कॉस 45 डिग्री, 45√2 खत्म हो गया, ये हो गया 2r by pi, क्या सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 2√2 r by pi sin 45 डिग्री, अब 45 से √2 खत्म, तो फिर से आ गया 2r by pi, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, देखो तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गए क्या, तो 2r by pi x कोऑर्डिनेट 2r by pi y कोऑर्डिनेट, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये ऐसे भी याद रखना है हम लोग को, ठीक है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क इसके बारे में बात करते हैं, तो पहले समझते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे, है ना, ये हम रेडियस आर कर देते हैं, ठीक है इसका वजन हमने कर दिया एम, इसको हम काटेंगे कैसे, एक एक करके समझना बात को, ठीक है तभी पूरी बातें समझ में आएंगी, हमने मान लिया कि एक हिस्सा ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट किया ऐसे, अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको इस शेप देखो ये काट रहे ऐसे करे कैंची से तो कैसा दिख रहा होगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग के तरह दिख रहा है क्या, एक एक हिस्सा फील करो तो ऐसे ऐसे काटोगे तो सेमी सर्कुलर रिंग के तरह फील करोगे ना ऐसे ऐसे, ठीक है, और इन सब का हमको सेंटर ऑफ मास पता है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर, इसका भी सेंटर ऑफ मास यही है ना, सबका सेंटर ऑफ मास हमको पता है ना, इस वाले का सेंटर ऑफ मास 2r / pi पर होगा, इसका भी सेंटर मास इसके 2r / pi, इसका जो भी रेडियस होगा वहां पर होगा, इसके 2r / pi पर इसका सेंटर मास होगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा, और ऐसे काटते काटते हमने यहां से पूरा इसको काट दिया, बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे काटा, इससे सर फायदा क्या होगा आपको, तो हम एक काम करते इसको दो तरीके से समझाते हैं, है ना, पहला बात समझना पूरे अच्छे से इसको, हम क्या करें कि इसको छोटा छोटा पहले हम है ना किसी भी x जगह पर गए, किसी भी x जगह पे गए हैं ऐसे, और यहाँ पर छोटा सा मास काटे dm dm काटना स्टार्ट करें, और इस तरह से करके हमने पहले पता किया कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, क्या हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको पता है क्या ये इसको बना चुके हैं ऐसे, और इसका सेंटर ऑफ मास हम बता चुके हैं कि सर 2x / pi पर होगा, हम लोग को नहीं दिख रहा ये जो लेंथ है ये 2x / pi पर है, इस वाला जो हमने पीछे बनाया था ये सेमी सर्कुलर रिंग ही तो बनाया था पहले, ये देखो ये जो रिंग था ये वाला ये वैसे तो बनाया डीएम डीएम काट काट करके ऐसे बनाया, तो क्या उसका सेंटर मास हमको पता है 2r / pi, तो ये भी हमको पता है कि इसका सर 2x / pi होगा, फिर उसे हमने दूसरा भी फिर से बनाया ऐसे, ठीक है इन सब का भी फिर से हमको पता है कि सर इसके 2x / pi पर होगा, बात समझ में आया, इस तरह से करके हमने बहुत सारा रिंग बनाया और सब के अब सेंटर ऑफ मास हमको पता है, ठीक है यानी कि हम ऐसे कह दें क्या कि सुनो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, हम ऐसे कह दें कि जो वजन है ये वजन बेसिकली यहाँ है, ये पूरे में फैला हुआ नहीं, ये वजन यहाँ है, तो बेसिकली पूरा कहानी हो गया ऐसे ऐसे करके, वजन मेरा वो जो डीएम डीएम ये जो है ना इसको हमने डीएम कर दिया, ये डीएम ऐसे ऐसे फैला हुआ है ऐसे ऐसे, और इसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, बात समझ में आया, तो हम यहाँ से ये बैठा दिमाग में
हम ये करें, अरे अब हम क्या बोलेंगे, पूरा वजन उस जगह पर रखा हुआ है, तो ये वजन जो है जो हमने करा सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका वजन यहाँ नहीं है, यहाँ है, इस वाले का वजन थोड़ा ऊपर है, इस वाले का वजन थोड़ा और ऊपर है, ऐसे करके थोड़ा और ऊपर है ना, ऐसे करके जो कि यहाँ से चलता जाएगा। तो बेसिकली हम कह देंगे मेरे पास अब इतना सारा वजन है जो कि सेमी सर्कुलर के शेप में होगा, उसका वजन ऐसा होगा। अब बता दो इसका सेंटर मास का, यानी कि जो पूरा का पूरा बॉडी अब ऐसे रखा हुआ रॉड के हिसाब से, इसका सेंटर मास का। अच्छा एक बात और फील करो, क्या बीच में होगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले का सेंटर मास, सॉरी वजन कम होगा, इतनी सा मास काटे है, और जब बाहर गए तो आउटर फेरी 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 के लिए तो वजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लेंथ जो कितना बड़ा है, इसके पास वजन बहुत ज़्यादा, तो सेंटर समझ गए आपको, ये इसका वजन बहुत ज़्यादा आता है ना, जैसे से ऊपर जा रहा है वजन बढ़ते जा रहा है, वजन घट रहा है ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो कुछ इस तरह से। और सबका लेंथ पता है, ये लेंथ तो 2r/π पर होगा, है ना, किसी x जगह बात कर रहे हैं तो 2x/π पर होगा। आई थिंक फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अरे इसका ये वजन कहाँ रखा हुआ है? यहाँ नहीं रखा हुआ, इसका यहाँ रखा हुआ है, तो 2r/π पर रखा हुआ, r रेडियस वाला लिए, x वाले का 2x/π पर लिए, इस तरह से करके हमको लेंथ पता भले है 2r/π। बात समझ में आया? नहीं आया तो कोई बड़ा इशू नहीं है, समझो कैसे कर रहे, ठीक है। बाकी हमें फॉर्मूला पते हैं, x पर गए और dx काटे, ठीक है, और हमको पता है इसका वजन हमने dm कर दिया, तो हमको पता है कि कहाँ मास है इसका, एरिया मास है, कहाँ है मास, कहाँ है मास, इज इन इट्स एरिया। तो हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर का जो आधा है ना, हैविंग मास इक्वल टू m, इस एरिया का वजन m है, देन इसका लेंथ कितना होगा, देखो तो 2πx तो नहीं होगा ना, πx होगा है ना, तो πx लेंथ। अच्छे और अच्छे समझो इसको, ये क्या हम कर रहे हैं, ये लेंथ अगर इसको काट, इसको काटे हैं तो इसका लेंथ खोल देते हैं बाहर ऐसे, ये लेंथ कितना हो गया, πx हो जाएगा, ऐसा चौड़ाई कितना हमने माना है dx, ये देखो ये चौड़ाई dx है ना, ऐसे खुल जाएगा ना, इसका एरिया कितना होगा, πx dx हो गया ना, वैसे ये πx * dx का वजन कितना आता है, m πr r सॉरी πx dx r स्क्वायर बाय 2। बेटा दिमाग में, यहाँ से dm का वैल्यू कितना आ गया, तो 2mx dx बाय r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से पाई से पाई कट चुका है, ये हो गया हमारा dm। और हमको y लोकेशन पता है, x का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, x सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो 2x बाय पाई पर है, तो 2x बाय पाई, ठीक है, ये दोनों चीज़ पता चल गया। तो अगर हम पूछे y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखोगे, तो सर y dm बाय 1/m कर देते जा सीधा सी पानी, क्योंकि इंटीग्रल dm तो m ही आएगा, ठीक है, तो 1/m हो गया यहाँ पर, y के जगह पे क्या लिखेंगे, 2x बाय पाई, और dm के जगह पे 2mx dx बाय r का स्क्वायर, इज दैट ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास m से m तो कट चुका है, m से m कट चुका है, यहाँ से आ गया हमारे पास 4, और नीचे में हो गया पाई r का स्क्वायर, और ऊपर में हो गया x का क्यूब बाय 3, जीरो से लेकर के r रेडियस तक चलेगा मतलब, ठीक है। यहाँ से हो गया y सेंटर मास कितना आ गया, देखो तो 4 बाय पाई r स्क्वायर है ना, इंटू r का क्यूब बाय 3 है ना, r का क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो बेसिकली हो गया 4r/3π, ठीक है, बात समझ में आया इसका। इसी तरह से अगर हम सिमिलरली एक सवाल पूछ लें जो पहले किए थे, हम सीधा सीधे कहते हैं कि अगर जो डिस्क अगर हमारा ऐसे दिया होता तो ये लेंथ भी हमारा जो है जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो आएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4r/3π कॉमा 4r/3π आ जाएगा है ना, और ये लेंथ हो गया हमारे पास 4r/3π का रूट 2। बात समझ में आया, क्या हम करें जो पीछे करे थे, देखो ध्यान से ये वाला है ना, इससे अगर हमको एक बार पता चल गया तो हम उसी तरह सॉल्व कर सकते, बाकी तुमको पता है कैसे सॉल्व करे थे, ठीक है, एक बार करके देख लेना खुद से, ओ सवाल में नहीं है, चलो ठीक है, तो कर ही लेते। ये एंगल दिया हुआ अल्फा, कितना दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये कर लोगे क्या तुम लोग अब, है ना, ये अल्फा दे दिए हैं, उसी तरह से काटना ऐसे करके है ना, इस रिंग का हमको ऐसे ऐसे काट करके बहुत सारा काटेंगे ऐसे ऐसे सेक्शन, ठीक है, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास पता है कि कितना है, इस वाले का सेंटर ऑफ मास पता है इस रिंग का। अच्छा हम थोड़ा डीएम वगैरह बताते हैं, तुम सॉल्व कर लेना बाकी है ना, तो हम इसका डीएम बता देते हैं, तो हम कह देते हैं सर
इसका एरिया कितना है? अगर ये अल्फा है और ये रेडियस आर है, इसका एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर है क्या ये? पाई आर स्क्वायर थीटा कितना? अल्फा बाय टू पाई, तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर अल्फा बाय टू। समझ में आया? नहीं आया? पाई आर स्क्वायर एरिया पूरे टू पाई का होता है, टू पाई एंगल का। तो सर अल्फा एंगल का कितना एरिया? बस ये कहा, तो इतना हो गया एरिया इसका। इसका वजन भी चाहिए होगा, इसको अगर हमने यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पर जा करके विड्थ डी एक्स काटा है तो ये ऐसे खुला हुआ था ये लेंथ है ना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा एक्स अल्फा है ना, और ये हो गया डी एक्स, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो हम सीधा इसलिए करते हैं क्या कि आर स्क्वायर अल्फा बाय टू हैविंग मास इक्वल टू एम है ना, देन एक्स अल्फा इंटू डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स का वजन कितना? एम एक्स अल्फा इंटू डी एक्स बाय आर स्क्वायर अल्फा बाय टू। ठीक है, यहाँ से डी एम का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा से अल्फा खत्म हो गया ना, टू एम एक्स डी एक्स बाय आर का स्क्वायर, ये आ गया इसका वजन। हमें चाहिए होगा वाई, तो वाई लोकेशन इसका कितना था? तभी वाई लोकेशन याद है कितना था इसका? टू आर बाय अल्फा साइन अल्फा बाय टू है ना, तो वही लेंगे टू एक्स बाय अल्फा साइन अल्फा बाय टू, ये हो गया वाई और डी एम दोनों मिल गया तुम लोग है ना, वाई और डी एम दोनों मिल गया। तो सॉल्व कर लेना, जो भी पीछे सोचे थे सॉल्व कर देंगे, अब चाहते तुम लोग सॉल्व करो है ना। कैसे निकालोगे? वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम है ना बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम, डी एम को जरूरत एम ही आएगा, तो एम तो बाहर आ गया, वाई के जगह पे इसको पुट कर लेना और डी एम के जगह पे इसको सॉल्व। ठीक है, तो बाकी तुमको पता है क्या सॉल्व होने वाला है, खत्म हो गया जी। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, अपने घर पे सॉल्व करना है, इसमें कुछ तो दिए नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग पता है ना।